आई एम डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटोपल्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, आज हम डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था और एक हमें क्यों नहीं डरना चाहिए इम्प्लांट्स कराने से, इसके बारे में मेरी एक वीडियो थी। इसके लिंक्स ऊपर दिए गए हैं, आप प्लीज़ उसको देखें। तो हम बात कर रहे थे कि डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट क्या रहती है, व्हाई इट इज़ सो हाई। कॉस्ट वाइज अगर हम पहले बात करें तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इन इंडिया इज अराउंड 20,000 to 30,000 पर इम्प्लांट, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ऑफ इम्प्लांट, डिपेंडिंग ऑन द सर्जन, एंड इट इज़ ए बेसिकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और अगर नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि अगर एक दांत लगाना है तो आपको एक इम्प्लांट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर तीन या चार दांत लगाने हैं तो आपको दो इम्प्लांट्स के ऊपर चार या पांच दांत लगाए जा सकते हैं, तो पर टूथ इम्प्लांट की कॉस्ट कम हो जाएगी। ये इनिशियल एक इन्वेस्टमेंट है। आप अगर ब्रिज से तुलना करें तो एक ब्रिज जिसकी लाइफ नॉर्मली 10 to 15 years होती है, लेकिन इम्प्लांट हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं थ्रू आउट लाइफ आपका साथ देगा। और अगर आपको 8 to 10 years के बाद अगर दोबारा से ब्रिज चेंज करना पड़ गया तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट उतनी ही आ जाएगी जितनी आपने इनिशियल कॉस्ट इम्प्लांट में दी है। अब डिपेंड करता है ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा क्यों है, या ये कॉस्ट है तो इसमें क्या क्या ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ। ज़्यादा महंगा होने का एक कारण ये है, एक तो टेक्नोलॉजी अच्छी है, नंबर टू प्रोसीजर इज सर्जिकल। जब सर्जिकल प्रोसीजर्स होता है तो उसमें हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप उस इम्प्लांट को लगाने में वो क्लिनिक सक्षम होना चाहिए, एक मशीनरीज होती है जैसे फिजियो डिस्पेंसर्स हैं, इसकी जो सर्जिकल किट्स हैं या ड्रिल्स आर वेरी कॉस्टली, कुछ समय बाद वो ड्रिल्स ख़राब हो जाती हैं तो वी हैव टू परचेज न्यू वन। नेक्स्ट आता है सर्जन, सर्जन की एक्सपर्टीज़ और कितने उसने इम्प्लांट्स किए हैं, कितने उसने पेशेंट्स देखे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। और जब एक्सपीरियंस्ड आपका इम्प्लांट सर्जन इम्प्लांट कर रहा है, डेफिनेटली थोड़ा सा अंतर कॉस्ट का आ जाता है। अब टाइप ऑफ मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं, हमने इम्प्लांट्स बताए, नॉर्मली ये इम्पोर्टेड होते हैं और इम्पोर्टेड होने की वजह से टैक्सेस, कॉस्टिंग्स वगैरह सब आ जाती है। मशीनरीज मैंने आपको बताया फिजियो डिस्पेंसर्स का, मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं सारे डिस्पोजेबल्स होते हैं, या एप्रंस हैं, डिस्पोजेबल्स हैं, डॉक्टर्स एप्रंस हैं, पेशेंट्स एप्रंस हैं, सब चीज़ें डिस्पोजेबल्स होती हैं, नॉर्मल सेलाइंस होते हैं, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ जाती है। हालांकि ये कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, बट पेशेंट अगर ब्रिज से कंपेयर करता है तो उसको ये कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तो इसलिए घबराएं नहीं, डरें नहीं, ये पोज ऐसा नहीं है कि ये आपकी पॉकेट के अप्रोच के बाहर है। जो लोग लगवा लेते हैं इम्प्लांट वो बहुत खुश रहते हैं, उनको कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती है। इसमें थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है जब हमें बोन ग्राफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई पेशेंट्स की बिकॉज ऑफ सिस्टेमिक डिसीज़ और एज की वजह से बोन नीचे चली गई है या रिसीट कर गई है, तो हमें बोन के साथ साथ एक बोन ग्राफ्ट डालना पड़ता है, जो एक सर्जिकली मटेरियल है, और डालते हैं हम बोन ग्राफ्ट ड्यूरिंग इम्प्लांट। जब हम कर रहे होते हैं उसी समय हम प्लेस कर देते हैं, जिससे कि इम्प्लांट्स की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम US, UK और वेस्टर्न कंट्रीज से इसका मुकाबला करें तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा है, अराउंड 1300 to 1500 US dollars में इम्प्लांट एक कॉस्ट कर जाता है। तो इसलिए यहाँ के मुकाबले हमारा बहुत ही डिफरेंस है रेट्स में, और आपको अच्छी क्वालिटी के उत्तम इम्प्लांट्स हम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इम्प्लांट्स लगवाने से डरें नहीं, ये एक परमानेंट, दांत को फिक्स करने का एक परमानेंट तरीका है। आप खाने का आनंद ले पाएंगे और आपकी लुक्स अच्छे हो जाएंगे, और बार बार आपको डेंचर्स, आजकल डेंचर्स वैसे भी ऑब्सोलीट हो गए हैं, तो आपको इन चीज़ों की एड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर टीथ, टीथ विल टेक केयर ऑफ़ यू। आप ध्यान रखें, मेरा कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी आपकी क्वेरी मेरे इन बातों के बताने के बाद भी अगर कोई रह जाती है, नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप पे करें या कॉल कर लें, आपकी क्वेरीज मैं कोशिश करूँगा कि
सेटिस्फाई कर पाऊँ। और अगर कोई मेरा एड्रेस नीचे लिखा हुआ है, आप अगर विजिट करना चाहें, यू कैन कम एनी टाइम एट माई सेंटर, प्रॉपर एक्सरेज करके, इन्वेस्टिगेट करके, हम एग्जैक्ट आइडिया बोन को देखते हुए कॉस्ट का आपको दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।